हेलो बहनों नमस्कार। आज मेरे पास एक आंगनवाड़ी से रिलेटेड नई खबर निकल के आ रही है, तो आज मैं आपको इस खबर को सुनाने जा रही हूँ। इस खबर को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करती रहिए। उसमें आंगनवाड़ी से रिलेटेड आपको ढेर सारी खबरें और मिल जाएंगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की हमारी खबर है, बीटेक एमटेक करने के बाद अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कर रहे आवेदन। क्या है इस खबर में, चलिए आगे हम जान लेते हैं। बेरोजगारी से परेशान युवाओं की मजबूरी का आलम यह है कि बीटेक एमटेक और एमबीए करने वाली महिलाएं और युवतियां भी अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर रही हैं। इसका खुलासा हुआ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका भर्ती के आवेदन के आखिरी दिन, जब बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने आए आवेदनों की स्क्रूटनी का काम शुरू किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10-5 मांगी गई है। इनका मानदेय 5500 रुपये है, जबकि सहायिका के लिए कक्षा 8 योग्यता व 2500 रुपये मानदेय है। जिले में कुल 923 पदों का विज्ञापन हुआ था। आखिरी दिन जब आए आवेदन पत्रों की जाँच शुरू हुई तो यह सच सामने आया। बीटेक करने वालों के आवेदन 500 से अधिक हैं, वहीं एमटेक करने वालों के 200 से अधिक आवेदन आए हैं। 500 से अधिक आवेदन एमबीए करने वालों के हैं। आगे इस खबर में हम जान लेते हैं, विभागीय कर्मचारियों की माने तो स्नातक और परस्नातक वाले हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि अगले एक हफ्ते रजिस्टर्ड डाक से आवेदन पत्रों को मांगा गया है। विभाग के राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए बीटेक, एमटेक, एमबीए पास लोगों के तमाम आवेदन आए हैं। आखिरी दिन अब तक 18,000 आवेदन विभाग के पास आ चुके हैं। शेष आए आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यही थी आज की हमारी स्पेशल खबर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।